हेलो। हाँ जी, एक बार बताना, आवाज़ आ रही है क्या? कल कौन से चैप्टर पे छोड़ा था, जल्दी बताओ। सर, ऐसे क्लास क्यों करते हैं आप? मतलब घर से? अच्छा, घर से क्लास क्यों करते हैं? डॉक्टर के पास आना था, डॉक्टर के पास मीटिंग थी मेरी। चैप्टर नंबर वाटर वाटर बन लिया था। ओकेस, एक मिनट रुकना जरा। अब जो आपका चैप्टर है वाटर, उसमें ये बताया गया है कि वाटर कौन कौन से काम में यूज होता है, तो ये भी तुम लोग बता लोगे। आपका पैर फिर बेकार हो गया कि नहीं? बेटा, वो मेरे को 4 दिन बाद मिलने के लिए बुलाया था। डॉक्टर बुलाता है ना देखने के लिए कि प्रोग्रेस है कि नहीं है। क्लियर है? एक मिनट रुकना, मैं जरा वो खोल लूँ, एससीईआरटी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। एक मिनट देना बस। चलो, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज दानापुर से गोरापुर तक। दानापुर से गोरापुर तक, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, ठीक है, दानापुर से गोरापुर तक, तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें आपकी ट्रेन की यात्रा थी, अगर याद हो तो। एनसीईआरटी पढ़ी थी सभी ने, सीटेट तो निकाला ही होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो ट्रेन यात्रा थी उसमें, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? पहली चीज तो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरी चीज आपका क्या बोलते हैं, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन। सब दिख नहीं रहे आप? हम, मैं नहीं दिख रहा ना, मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूं। ठीक है, तो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, यात्री नाम रिकॉर्ड। ठीक है, टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीटी भी नहीं दिख रही, ऐसा नहीं हो सकता, रिफ्रेश करो। सुभाष कुमार, एक बार एग्जिट करके एंट्री करो। ठीक है, टीटी का फुल फॉर्म, दैट इट्स ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, यात्रा टिकट निरीक्षक। फिर आपका जो रिजर्व्ड टिकट रहता है उसमें क्या नहीं होता, जो आरक्षित टिकट होता है, जो आप विंडो से लेते हो,
इसमें क्या नहीं होता, याद रखना, यात्री का नाम नहीं होता, बाकी सारी चीज मिलेगी, नमी नहीं, नाम नहीं होता, तो दैट इज नेम ऑफ पैसेंजर इज नॉट गिवन. तो जो आपका ट्रेन टिकट रहता है उसमें नेम ऑफ पैसेंजर नहीं होता, ठीक है. फिर इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, ठीक है, वही ट्रेन और टाइम वाले, कि यदि एक ट्रेन 16 तारीख को, ठीक है, 5:15 पे चली है, 16 तारीख 16 जुलाई को, और 18 जुलाई को 4:45 पे पहुंच रही है, ठीक है, 4:45 पे पहुंच रही है, ठीक है, ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जो दूरी ट्रेवल करी है, वो है कितनी, सपोज कर लो 4,000 किलोमीटर ट्रेवल करी है, तो बताओ इसकी, ठीक है, स्पीड गति क्या होगी. तो ये तो निकाल लोगे ना, कि ये भी सिखाना पड़ेगा. सर होता है, नहीं होता बेटा साहिल, एएम या पीएम, अब ये तो तुमको पता लगाना पड़ेगा कि एएम लिखा है कि पीएम लिखा है, यही तो क्वेश्चन का मेन चीज है. बताएं, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा, 16 जुलाई को चली है, 18 जुलाई को पहुंच रही है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एम पी एम तो मेंशन नहीं है, दिमाग में बिठा लो, रेलवे समय सारणी 24 घंटे का फॉर्मेट फॉलो करती है, मतलब अगर ये लिख रहा हूँ 0000 तो ये रात के 12 बज रहे हैं, ये क्या है, रात के 12, और अगर ये लिख रहा हूँ 12 तो ये दोपहर के 12 है, ठीक है. अगर मैंने 13 लिख दिया तो 13 का मतलब है क्या, दोपहर का 1, तो अगर ये 5 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, सुबह के 5 होंगे, और ये 4 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, सुबह के 4 होंगे. अब देखो 16 जुलाई को चली है, 18 को पहुंच रही है, अब 2 दिन का टाइम ले रही है, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं, ठीक है, अब 5:15 पे पहुंच रही है, अगर 16 जुलाई को ही 5:15 पे पहुंच जाती तो आपका पूरे 48 घंटे हो जाते हैं, बट ये आधे घंटे पहले पहुंच रही है 18 जुलाई को, मतलब ट्रेन ने टाइम लिया होगा कितना, 47.5 घंटे, ट्रेन ने टाइम कितना लिया, 47.5 घंटे. तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी दूरी है वो समय से क्या कर दो, विभाजित कर दो, 4,000 है, 47.5 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा. क्या आएगा, तो नियर अबाउट 84.2 किलोमीटर पर आवर. सर टाइम कैसे, टाइम कैसे, ये दिया तो हुआ है 5:15 चली है, 4:15 सॉरी 4:45 पे पहुंच रही है. क्लियर है, चलो ठीक है. इसके अलावा अगर इसको क्वेश्चन पूछने होंगे तो फिर वो आपका पूछेगा किससे, भारतीय रेल का, पहली रेल कब चली, ठीक है, कौन, किस ब्रिटिश जनरल को भारतीय रेल का जनक कहते हैं, ठीक है,
आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे लंबा रेल यात्रा कहां से कहां की है, लंबा नहीं लंबी, ठीक है। अगर इसके अलावा पूछना होगा तो वो आपका पूछेगा कहां से, ठीक है, आपकी रेल यात्रा से, ठीक है, मतलब भारतीय रेल से। तो पहली रेल कब चली, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। तो पहली रेल चली आपकी 1853 में मुंबई से थाने, इस रेल का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। किस ब्रिटिश जनरल को हम बोलते, कौन थे, किसके राज में आपका ट्रेनें आई थी भारत में, लॉर्ड डलहौजी, सवास लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, शाबाश, हुबली। पहले आपका गोरखपुर हुआ करता था, अब कौन सा हो गया, हुबली। और सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी है, गोरखपुर पहले है, पुराना है बेटा, अब हुबली हो गया कर्नाटक का। वेरी गुड, डिब्रूगढ़। क्या लिखा हुआ है, असम से डिब्रूगढ़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, असम से डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से डिब्रूगढ़, असम में ही डिब्रूगढ़, वहीं गाड़ी घुमा दो, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कौन सी ट्रेन चलती है, ये याद रखना, विवेक एक्सप्रेस। क्लियर है, ठीक है। तो ये था चैप्टर आपका कौन सा, दैट इज दानापुर से गोरा तक, ठीक है। फिर है आपका चिट्ठी का सफर, चिट्ठी न कोई संदेश, अब देखो चिट्ठियां जो होती है ये आपका बेसिकली कम्युनिकेशन का तरीका है, संचार का तरीका है, कम्युनिकेशन संचार, संचार आपके बेसिकली, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है, मौखिक, ठीक है, अमौखिक, ठीक है। तो जो संचार तुम लोग, ठीक है, या तो लिख के कर दो, रिटन लिख के, लेखिक या लिखित, या फिर बोल कर दो, ठीक है, वर्बल, ठीक है, ऐसे संचार को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल में आपको हो जाती है क्या, साइन लैंग्वेज, साइन एंड बोर्ड्स, बोर्ड्स इशारे एवं, आपने कईयों बार किसी वहां गए होंगे ऑफिस वगैरह में, तो वहां देखा होगा आवाज ना करे, हल्ला ना करे, ठीक है। फिर आपके संचार के कईयों सारे तरीके आए, जिसमें से एक था आपका क्या, चिट्ठी, चिट्ठी लिख के हम संचार करते थे। तो सबसे पहला डाक बंगला, सबसे पहला पोस्ट ऑफिस, सबसे पहला पोस्ट ऑफिस जो था कहाँ था, कब बना था, सबसे पहला पोस्ट ऑफिस कब बना था, कहाँ बना था, किसने बनवाया था, कोलकाता, शाबाश, ठीक है।
तो 1774 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ठीक है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल दैट इज वेस्ट बंगाल, मैं पहला आपका पोस्ट ऑफिस बना। फिर आपने, ठीक है, कई प्रकार के कम्युनिकेशन चालू किए, ठीक है, आपने क्या किया, लेटर पत्र भेजना चालू किए, आपने टेलीग्राफ भेजना चालू किए, आपने फैक्स भेजना चालू किए, ठीक है, तो ये आपके ओल्डर मोड थे कम्युनिकेशन के। फिर आया आपका क्या, टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार का मतलब है दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेना, ठीक है, तो दूर संचार आप कैसे कैसे कर सकते हो, टेलीविजन, फोन, मोबाइल्स, ठीक है, ईमेल, इंटरनेट, तो दूर तक अगर आप अपने माध्यम को पहुंचा पा रहे हो, ठीक है, दूर दूर तक आप संचार कर रहे हो, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, टेली सर्विसेज जो आपके, टेली सर्विसेज जो आपके बेसिकली कौन होते, नमस्कार, हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते, टेलीग्राम भी था, चैट जीपीटी, सवास, टीवी, फोन, मोबाइल, इंटरनेट, टेली सर्विस, क्लियर है, तो ये होता है टेली कम्युनिकेशन। और एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जनसंचार, जब बहुत सारे लोगों तक आपकी बातें पहुंच रही है एक ही बार में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। बहुत सारे लोगों तक बातें कौन पहुंचा सकता है, इंटरनेट पहुंचा सकता है, आजकल आप देखते हो वीडियो वायरल हो जाती है ना, टीवी पहुंचा सकता है, रेडियो पहुंचा सकता है, ठीक है, आपका मेल पहुंचा सकते हैं, ईमेल, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर पहुंच सकता है, ठीक है, तो दीज आर द मास कम्युनिकेशन। तो जल्दी से एक बात चीज बताओ, इसमें से एक प्रश्न करो, निम्न में से कौन सा जनसंचार का तरीका नहीं है, ए, ठीक है, समाचार पत्र, बी, ठीक है, दैट इज इंटरनेट, सी, टेलीफोन, या डी, टेलीविजन। वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वेरी गुड, तो याद रखना, टेलीफोन से आप जनसंचार नहीं कर सकते। ये देखो कौन है, अरे ओ ओ मेरी लाली, रुक जा, प्रियंका कश्यप, इंटरनेट कहाँ से होगा बताना जरा, किसकी क्लास चल रही है पता नहीं है, यही तो प्रियंका कश्यप सर, नोट नहीं देखे, हाँ सबास, नोट नहीं देखे,
जल्दी जल्दी मत किया करो, ठीक है? गाना सुनाओगा, मेरे पिया गए रंगों ने किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो उन पिया और उन मैडम की बातें हर कोई नहीं सुन रहा था, वो पिया और मैडम के बीच में चल रही थी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो बेटा तमन्ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट थिंग इज कपड़े तरह तरह के, कपड़े कपड़े तरह तरह के, कपड़े तरह तरह के। अब देखो कपड़े बनते हैं किससे? रेशों से। रेशे आपके दो प्रकार के होते हैं, मतलब इस चैप्टर में बस केवल आपका कपड़े के बारे में होता है कि मीन सीटेट, आई मीन सीटेट, कि सीटेट की नहीं है बेटा क्लास, सीटेट का तो कोर्स कंप्लीट हो गया। सर एक दुख भरा गाना गा दीजिए। सर सबसे अच्छा मास कम्युनिकेशन कौन सा है आज के टाइम में? ठीक है, सबसे अच्छा मास कम्युनिकेशन आज के टाइम पे इंटरनेट, सोशल मीडिया, तुरंत वायरल हो जाता आदमी। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंजाई में क्या डिफरेंस है? ओके, किस लेवल का बताऊं तुम्हें तमन्ना? छोटी क्लास वाले लेवल का, बड़ी क्लास वाले लेवल का, ये बता दो। बिहार का जीके कब से शुरू होगा? बेटा हमने तुम लोगों की प्रॉब्लम पहुंचा दी है मास्टर साहब पे, बड़े मास्टर साहब पे, मतलब जो चैनल चलाते। जितने में मुझे डिफरेंस समझ में आ जाए अभी क्लास के बाद में मेरे को याद दिला देना, ठीक है, समझा दूंगा। ठीक है, अभी इसको पढ़ ले। जो आप पढ़ाते हैं उसी लेवल का बेटा, मैं हर लेवल के हिसाब से समझा सकता हूँ, डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइबर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल। तो हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? ठीक है, टीजीटी हिंदी में ईवीएस से कितने क्वेश्चन आने हैं? सर इट इज नॉट सर्टेन, 6 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है जनरल पेपर में। टू प्रोटेक्ट, सुंदर दिखने के लिए नहीं बेटा, अपने आप को बचाने के लिए, पर्यावरणीय कंडीशनों से अपने आप को बचाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वरना पत्ते भी लपेट के हम खुश थे। ठीक है, सुंदर पत्ते लपेट के भी दिखते थे, है ना? उस टाइम पर डर ये रहता था कि बकरी पीछे से ना आ जाए। चलो, तो नेचुरल आर्टिफिशियल दो तरह के फाइबर्स होते हैं। नेचुरल में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लांट से मिलने वाला, पौधे से प्राप्त होने वाला, एक होता है एनिमल से प्राप्त होने वाला, जंतु से प्राप्त होने वाला। ठीक है, प्लांट में भी दो दो तीन टाइप के फाइबर मिलते हैं। एक मिलता जूट पटसन, एक मिलता आपका फ्लैक्स या फिर लिनन बोलते हो आप इसे, लिनन। और ये लिनन अलसी से मिलता है इसलिए, ठीक है, लिनसीड से मिलता है इसलिए लिनन बोला जाता है। ठीक है, एक मिलता आपका कौन सा, कॉटन कपास, एक मिलता है आपका कौन सा, हेम्प भांग, बट ये आज के टाइम पे नहीं यूज किया जाता। ठीक है, ये इजिप्ट के लोग यूज किया करते। एनिमल से मिलने वाले फाइबर कौन कौन से, ऊन और आपका सिल्क।
सर ये जूट ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है सर? करंट अफेयर सर कब पढ़ाया जाएगा? बेटा मैं नहीं पढ़ाता ना करंट अफेयर, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर हम पढ़ा रहे होते तो हम बता देते भैया, जैसे ही हम ये खत्म कर देंगे वैसे ही करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। चलो आर्टिफिशियल फाइबर में, ठीक है, कौन कौन से फाइबर है? आर्टिफिशियल फाइबर में होता है नाइलॉन, ठीक है, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलीकॉट, पॉलीवॉल, टेरिलीन। सॉरी टेरिलीन नहीं, टेरिकॉट। बेटा मैंने आज ही कल तुम लोगों ने मेरे से बोला था सर जिवेश सर का नहीं समझ में आ रहा, मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके आज फॉलो कर दिया, ठीक है, तो मैं इतना कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए कि मैं फॉलो कर दिया तुम्हारा। नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, ठीक है, पॉलिस्टर, पॉलीकॉट, पॉलीवॉल, टेरिकॉट। हिंदी में लिख तो दिया, भांग से क्या मिलता है? नशा। सर ये कैसे फाइबर है? ये बेटा कृत्रिम है, इंसानों द्वारा बनाए गए। क्लियर है इतना? सर ईवीएस क्लास 23 का पीडीएफ गलत डाला गया है। अभिषेक गुप्ता मैंने बहुत ढूंढ लिया, उन लोगों ने पीडीएफ डिलीट कर दिया, अब मैं क्या करूं? अब इसमें मेरी क्या गलती? बेटर ये कि आप क्लास के वो उतार लीजिए एक क्लास का, बाकी सबके तो डले ही हुए, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो आर्टिफिशियल फाइबर से सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लो, ठीक है। अगर आपको आर्टिफिशियल फाइबर से पूछे गए तो आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा, ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है? फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, पहला कृत्रिम रेशा। दूसरा है फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, पहला कृत्रिम रेशा जो कि पौधों से उत्पन्न किया गया, पहला कृत्रिम रेशा, पहला कृत्रिम रेशा। कौन चिल्ला रहा है? ये संस्कृत की क्लास है, संस्कृत की क्लास है। क्या तुम्हें अहम आवाम यूयम तुम तवाम तुयम पढ़ा रहा हूं? पहला कृत्रिम रेशा जो कि पौधों से प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क। चौथा क्वेश्चन, कृत्रिम ऊन किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल वूल। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन, टेरिकॉट किससे बना है? टेरिकॉट किससे बना है? ठीक है, चलो अब एक एक का आंसर। पहला कृत्रिम रेशा जो इंसानों द्वारा बनाया गया वो था नायलॉन। ठीक है, और पहला कृत्रिम रेशा जो कि पौधों से बनाया गया वो था आपका रेवा। कृत्रिम रेशम, रे से रेशमी जुल्फे, रेशमी आंखें, तो रेयॉन को ही आपका कृत्रिम रेशम बोलते हैं। कृत्रिम ऊन आपका एक्रिलिक होता है, एक्रिलिक। टेरिकॉट किससे मिलके बनाया गया? भाई टेरिलीन और कॉटन को आपस में जोड़ दिया, बन गया क्या? टेरिकॉट। टेरिकॉट और कपास, क्लियर है? रेयॉन सिल्क ही है ना? नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क प्राकृतिक होती है। सर ये क्या उर्दू की क्लास है? नहीं, ये कन्नड़ सिखाएंगे अभी थोड़ी देर में तुम्हें। टेरिकॉट कैसे मिलता है बता तो दिया, टेरिलीन और कॉटन को जोड़ दिए थे तो टेरिकॉट मिलता है। स्लाइड नीचे कर ये लीजिए। थोड़ी देर में तुम्हें फारसी लिखना सिखाएंगे, फारसी कैसे पढ़ते हैं। टेरिलीन कैसे मिलता है? टेरिलीन एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ह्यूमंस द्वारा सिंथेसाइज किया गया है, इंडस्ट्रीज से मिलके बनता है। क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। आर्टिफिशियल फाइबर खत्म, आ जाओ नेचुरल फाइबर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेचुरल प्राकृतिक आपकी चांद में चार चांद लगा दे। सबसे पहला जूट, पटसन मैक्सिमम प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा बनाने वाला, सर्वाधिक उत्पादक करता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। प्लांट का पार्ट किस भाग से मिलता है? पौधे का भाग, तने से प्राप्त किया जाता है, तने से। ठीक है, कौन से सीजन में? इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। जब किसी का यार हंसता है तो बारिश होती, तो उसी टाइम लोगों का मन करता है चलो जूट बना लेते। क्लियर है? LGBTQ क्या होता है, क्या करना उसके बारे में जान के, जो गे होते हैं, जो बायसेक्सुअल्स होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो लेस्बियंस होती है, उनसे रिलेटेड है। चलो दूसरी चीज, दूसरा आ जाओ किस पे, जूट हो गया, जूट की बात क्या ले ले, कॉटन, कपास। मैक्सिमम प्रोड्यूसर, सब सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, बट याद रखना सबसे ज्यादा मिले महाराष्ट्र में। ठीक है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है, बट सबसे ज्यादा मिले कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पहली बार मिल भी कहाँ लगी थी? महाराष्ट्र में ही लगी थी। ठीक है, कहां से मिलता है? प्लांट के किस भाग से मिलता है? प्लांट पार्ट कौन सा यूज करे? पौधे का भाग। जल्दी बताओ कौन सा भाग यूज करेंगे?
बीज फूल फूल तुम्हें बेजा है खत में, फूल नहीं मेरा बिल है। क्या यूज करेंगे? बेसिकली फ्रूट यूज करेंगे। इन फ्रूट को हम बोलते हैं क्या, कपास गोलक, कॉटन बॉल्स। मिलता है कहां ज्यादा? लिखा तो है गुजरात, दिख नहीं रहा। आगे बढ़े चलो। कंडीशन वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु, और एक स्पेशल टाइप की मिट्टी चाहिए होती है। इस मिट्टी को हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, काली मृदा। आप सभी ने ज्योग्राफी, आपके मास्टर साहब ने आपको ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ाई होगी, तो उन्होंने काली मृदा का एक और नाम बताया होगा, ठीक है, काली मृदा का एक और नाम बताया होगा। सर वो फ्रूट होता है? हाँ जी वो फ्रूट होता है, हर फ्रूट खाया नहीं जाता। वेरी गुड, रेगुर, दे गुड, रेगुर। चलिए क्लियर है। कॉटन, कॉटन को हम किंग ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कपा वो मतलब रेशो का राजा भी बोलते हैं, रेशो का राजा। और जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज नंबर थर्ड, वूल, ऊन। मैक्सिमम प्रोड्यूसर, सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? राजस्थान। ठीक है, किस ईयर में, किस मंथ में? भैया कौन है ईयर मंथ में? प्रशांत भैया, कॉटन कौन सी फसल है? सर हेम्प था, हेम्प के बारे में नहीं, मैंने क्या बोला, हेम्प नहीं पढ़ना, ये पहले यूज किया जाता था, इजिप्शियन सभ्यता, जब मिस्र सभ्यता चलती थी, मिस्रवासी उस टाइम पे यूज करते थे। खरीफ है तो कौन से सीजन में लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब वूल ऊन किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। ये एनिमल कौन कौन है? शीप से मिल जाएगा भैया, भेड़ से मिल जाएगा, ठीक है, बकरिया से मिल जाएगा, ठीक है, आपका लामा से मिल जाएगा, ठीक है, आपका याक से मिल जाएगा, आपका अल्पाका से मिल जाएगा, चीरू से मिल जाएगा, ठीक है, और ऊंट से मिल जाए, खरगोश से मिल जाए, इत्यादि। हम कैसे पहनते होंगे? जैसे तुमने जीन्स पहनती हो या सलवार सूट पहनती हो, अनामिका कुमारी वैसे पहनते। सर ह्यूमन से? अच्छा तुमसे ऊन मिलता है, तुम अपने अंदर से ऊन निकाल लेते हो। एल्पा क्या होता है? जानवर होता है भैया, सब जानवर के नाम है। लामा कैसा होता है? सर चिरंजीव कुमार अकेला, ठीक है, शादी कर ले हो जाएगा दुकेला। वो गाना सुना है, लामा लामा घूंघट काहे तू डाला रे गुपचुप चुप चुप चुप, ठीक है, मतलब गाना नहीं, ऐसे ही वो गाना गाती है, लांबा लांबा, लांबा लांबा मतलब लंबा लंबा घूंघट क्यों डाला, ठीक है। तो अब क्या करें, भेड़ की गर्दन को पकड़ के लंबी कर दो थोड़ी सी, उसी को आप लामा कहते हो, तिब्बत में मिलता है। चीनी चिश क्या है? कहां लिखा है चीनी चिश? चीरू लिखा है और क्या मल लिखा है?
क्लियर है? कुछ ऊने याद कर लीजिए, कुछ ऊने याद कर लीजिए, टाइप्स ऑफ वूल, ऊन के प्रकार। पश्मीना धागो के संग कोई आज, ठीक है? तो पश्मीना है, पश्मीना अंगूरा बकरी से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, ज्यादा ही ज्ञानी हो गया। अपने यहां घटिया किस्म की वूलन मिलती है, ममता कुमारी ये जे ये ले, ये खरीद ले जाके, पैसा है हमारे पास नहीं है पैसा, हम नहीं खरीद पाए इसकी। तो पश्मीना किससे मिलती है? ठीक है, एक बकरी से मिलती है। इस बकरी का नाम क्या होता है? कश्मीरी गोट। अंगोरा किससे मिलती है? अंगोरा एक रैबिट से मिलती है, खरगोश से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अंगोरा रैबिट। मैरिनो किससे मिलती है? मैरिनो खुद एक भेड़ का नाम है, शीप। मोहेर किससे मिलती है? मोहेर एक बकरी से मिलती है, इस बकरी को हम बोलते हैं अंगोरा गोट, अंगोरा बकरी। और तिब्बत में सबसे फेमस जो, तिब्बत में सबसे फेमस जो ऊन मिलती है वो मिलती है आपकी चीरू से, तिब्बतन ऊंट भी बोल, तिब्बतन वूल भी बोलते हैं। डुप्लीकेट पश्मीना भी मिलता है तो उसका टेस्ट होता है। डुप्लीकेट पश्मीना अंगूठी से नहीं निकल पाएगा, ठीक है, ओरिजिनल पश्मीना अंगूठी में से पूरी की पूरी शॉल बाहर आ जाती है। सर वनलाइनर क्वेश्चन भी दीजिएगा बेटा, जे अगर ध्यान से देखोगे मेरे नोट्स ही वनलाइनर के टाइप के होते, मैं आज तक तुम्हें कभी लंबी लंबी लाइन लिखवाई नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब हमारे भारत में सबसे ज्यादा ऊन जो मिलती है वो किससे मिलती है? भेड़ से मिलती है। तो भारतीय, ठीक है, भेड़ की नस्ल, तो कौन कौन सी भारत में नस्ल मिलती है? लूनी, ठीक है, नली, बकरवाल, रामपुर बुशायर, ठीक है, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी, तो दीज आर द इंडियन ब्रीड। क्लियर है? सर बकरवाल ट्राइब भी है क्या? हाँ जी, जम्मू कश्मीर की, सीटेट में पड़ा होगा। सर इंसान के बाल से क्या बनता है? इंसान के बाल से बिग बना दिए जाते। चलो नंबर फोर इज सिल्क, द क्वीन, क्वीन ऑफ फाइबर्स, ठीक है, रेशम, ये रेशमी जुल्फे, रेशों की रानी, रेशों की रानी, नाम ही इतना प्यारा पा गई, सिल्क।
सर प्लीज वन लाइनर, अबे गधो ये नोट्स अगर ध्यान से देखोगे तो यही वन लाइनर है, और कितना वन लाइन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वहां तुम्हें ऐसे क्वीन ऑफ फाइबर सिल्क लिख दूंगा, यहाँ पे सिल्क क्वीन ऑफ फाइबर लिखा हुआ है, बात तो एक ही हुई। कि वहां पे कोई नई चीज लिख के दे दूंगा तुम लोगों को, अगर यहां पे मैंने ये लिख दिया कि तिब्बत में चीरू मिलता है तो वहां पे भी तो ये लिख के दूंगा, वन लाइनर दे दीजिए, जेब में धरे मेरे, जेब में रख के घूमता हूं तुम सबके लिए वन लाइनर। पैसा ही पैसा होगा, का चीज का। चलो इतना क्लियर है। अब देखो सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से पेड़ से हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्री का नाम। तो ट्री में सबसे कॉमन ट्री है मलबरी, शहतूत, शहतूत। दूसरा होता है सोम का पौधा, तीसरा होता है कैस्टर का पौधा, चौथा होता है ओक का पौधा, पांचवा होता है टर्मिनेलिया का पौधा। इन सारे पौधों के ऊपर आपका रेशम कीट पालन किया जाता है, और जो सबसे कॉमन होता है, जो सबसे साधारण होता है, वो मलबरी होता है। कीट भी पाले जाते हैं। हाँ जी, स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए, ये लीजिए। क्लियर है? तो ये सारे आपके क्या होते, पेड़ होते जो कि आपका बेसिकली रेशम कीट के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है। अब रेशम कीट, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ठीक है, तो रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं, सेरी, टर्मिनेरिया पौधे का नाम है, पौधे का नाम। ठीक है बाबा, मेरा मैसेज देखिए साहब, प्रीवियस ईयर पेपर में, मतलब सोम कैसा पौधा होता है, असम में मिलता है, इसी पे मुगा रेशम बनती है, सब पौधे के नाम। ठीक है सर, अब छुट्टी ए डट जा छुट्टी, कहाँ गए? ठीक है, जो आपका सिल्क वॉर्म है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, याद रखने के लिए, अरे मोरी मैया बॉम्ब मार दियो, बॉम्ब फोड़ दियो, बॉम्बिक्स मोरी। 3 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता, डट जा। रेशम के कीड़े कितने कम से कम अपने हैं, रेशम के कीड़े कितने कम से कम, क्या बोल रही, कितने किलोमीटर दूर से, सीटेट में नहीं पीड़ा, कई किलोमीटर दूर से, बस ये लिखा हुआ है, कहीं पे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ। 3 किलोमीटर, चल तीन किलोमीटर तो बाघ की दाढ़ पड़ी होगी तुम लोगों ने, कई किलोमीटर लिखा हुआ था एनसीईआरटी में,
1 किलोमीटर दूर से लगभग समझ लो। सर अनुपम सर नोट के पैसे मांगते हैं, हम नहीं मांगते भैया, हमने सारी चीज फ्री में दी है तुम लोगों को, जे मत बोलना सर आपने भी मांग ली। क्लियर है? चलो अब देखो, टाइप ऑफ सिल्क, रेशम कईयों प्रकार की होती है, रेशम के प्रकार, ठीक है, कोसा सिल्क, मीठा है, कोसा है, बारिश का पोसा है, कोसा रेशम, मटका एंड तसर, मटका एंड तसर, ये बिहार की रेशम है इसे याद रख लेना, मटका एवं तसर, ठीक है, मुगा, ठीक है, फिर आपका एरी, एरी का कह रही है लाली, एरी, सैतूत, मलबरी, अहिंसा, अहिंसा रेशम, ठीक है, और स्पाइडर सिल्क, ठीक है, मकड़ी रेशम, जो उसका जाला रहता वो भी रेशम ही रहता, क्लियर है? सर आपके नोट से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, धन्यवाद। सर हमें नहीं दिए सीटेट की नोट्स, तुम मैसेज ना की होगी लाली हमें, जिस जिसने मैसेज की वो पा गया है। अहिंसा रेशम क्या है? एक ऐसी रेशम बनाने की विधि जिसमें कीड़े को मारा नहीं जाता, इसलिए इसको अहिंसा रेशम बोलते हैं। सर नंबर नहीं है, सर प्रोटोजोआ। चलो इसके आगे की कहानी अगली क्लास में, संडे क्लास लगवा लूं? सर सीटेट के नोट्स ही बीपीएससी के लेने हैं? नहीं नहीं नहीं, बीपीएससी वाले अलग है, सीटेट वाले अलग है। 7024245414 पे मैसेज कर देना, रात में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अब कोई पूछ रही थी मेरे से लाली, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस में अंतर बताए दो हमें, हमें समझ में ना आ रहा, जीवाणु, परजीव, कवक, पहली तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यस होती है, नो नहीं होती, यस होती है, मेड अप ऑफ बनी गाय की होती है, या पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है एडवांस, या होती नहीं है तो बनेगी नहीं, तो या काइटिन से बनती है, तीसरी चीज सेल नंबर, कोशिका संख्या, ये यूनिसेलुलर होते एकल कोशिका है, एक ही कोशिका से बने, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। फंगस सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती है, ज्यादा एक से ज्यादा कोशिका से बनती है, इनके पास बहु है, इनके पास बहु नहीं है, बहु कोशिका, बट यहाँ अपवाद आ जाता है एक, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट, एकमात्र ऐसी फंगस जो कि आपकी यूनिसेलुलर है, ठीक है। और सेल टाइप, कोशिका प्रकार,
ठीक है, कोशिका प्रकार में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्राचीन कोशिकाएं हैं, मतलब पुरानी कोशिकाएं हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, तो असीम केंद्रक बोलते हैं, असीम केंद्रक। ठीक है, ये नई टाइप की सेल्स है जिनमें कोशिका कोशिका में आपका केंद्रक होता था, तो ये ससीम केंद्रक है। ठीक है, और ये भी आपकी ससीम केंद्रक। और इवोल्यूशन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इस धरती पे सबसे पहले जीवाणु आए थे, फिर जानवरों में दो टाइप के जानवर आए। पहले ये वाले जानवर आए थे, प्रोटो का मतलब होता है पहला, जुआ का मतलब होता है जंतु, ऐसे जानवर जो कि एकल कोशिका होते थे जिसमें अमीबा वगैरह आते, फंगस आपके, ठीक है, फिर इनके बाद आए, इनके बाद फंगस के बाद प्लांट आए, प्लांट के बाद फिर हम सारे लोग आए थे, एनिमल्स आए। जे अंतर होता है भाई मेन, इससे बढ़िया और कोई अंतर नहीं समझा सकता। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया करण। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बीपीएससी की जगह सीटेट के नोट्स दे दिए, तो आप मेरे को फिर से मैसेज कर देना भाई, सीटेट वाले ओ बीपीएससी वाले भी भेज देंगे। सर ईस्ट खमीर रिपीट करें, सर क्या रिपीट करूं बताओ। अभिषेक कुमार, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, प्रोटोजोआ में नहीं होती, कवक में होती है। पेप्टिडोग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट का विशेष प्रकार है, उससे बनती है, यहाँ होती नहीं है, बनती नहीं है, या काइटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनती है। सेल की संख्या एक ही सेल है बैक्टीरिया, परजीव भी एक ही सेल है, मल्टी सेलुलर बहु कोशिकाएँ हैं, ठीक है, सारी फंगस बहु कोशिकाएँ होती है एक को छोड़ के, जिसका नाम ईस्ट है। सेल टाइप बैक्टीरिया ऐसी सेल है जिनमें केंद्रक नहीं होता था, तो असीम केंद्रक। प्रोटोजोआ फंगस इनमें केंद्रक होता था, तो ससीम केंद्रक। हमें भी सीटेट के नोट्स चाहिए, तो मैसेज कर देना जो नंबर दिए थे। चलो भगो।